गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद अदीलुद्दीन और आज हम एक इंटरव्यू लेने आ रहे हैं एक टिकटॉकर का, मतलब एक्स टिकटॉकर का। और उनका नाम है, नाम क्या है बे? क्या है कि सच सच बता जी? मेरा असिस्टेंट बोल रहा है कि उनका नाम एगेट है। बड़ा अजीब नाम है, ये कैसा नाम होता है? हाँ, तो उनका नाम एगेट है, तो चलिए उनसे उनके बारे में उनसे पूछते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हैकेट और मैं हूँ एक्स टिकटॉकर और मैं बहुत फेमस हूँ यहाँ। वैसे मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, अब देखते हैं लोग मुझसे क्या पूछते हैं। तो एगेट जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए, मतलब आपका नाम एगेट कैसे पड़ा? जी वो सब तो ठीक है, मतलब लेकिन यहाँ पर रिंग लाइट और नहीं दिख रही मुझे, मतलब थोड़ा सा पाउडर और रिंग लाइट मिल जाती तो मजा आ जाता, मेरा चेहरे का ग्लो करने लगता। और आप फिल्टर क्यों यूज नहीं कर रहा? आपने नॉर्मल कैमरे में रखा हुआ है, मतलब मेरे चेहरे को फिल्टर की जरूरत पड़ती है, वरना मैं इतना स्मार्ट नहीं लगता। आप देख सकते हैं हमने यहाँ आपको आपकी कोई टिकटॉक वीडियो शूट करने के लिए नहीं बुलाया, हमने आपको यहाँ इंटरव्यू लेने के बुलाया, तो आप प्लीज इंटरव्यू पे ध्यान दीजिए। तो मेरे आपसे ये सवाल था कि आपका नाम एगहिट कैसे पड़ा, मतलब एगहिट समझ नहीं आया मुझे। अच्छा सवाल पूछा आपने। दरअसल क्या हुआ था, मैंने एक वीडियो डाली थी टिकटॉक पे, वो बहुत वायरल हुई थी और उसकी वजह से लोगों ने मुझे बहुत प्यार भी दिया था, बेशुमार प्यार दिया था। और कैरी मिनाटी जी ने तो मुझे एक मेरे लिए एक बहुत मोटिवेशनल स्पीचेस लिखी थी अपनी वीडियो में, जो मैं बहुत थैंक्स करना चाहता हूँ उनका। तो मैंने वीडियो बनाई थी कि मैंने क्या करा था, मैंने एक अंडा लिया था और अपना सर लिया था और उस अंडे को मैंने अपने सर पे फोड़ दिया। तो उस वीडियो की वजह से लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट करा, मेरे कमेंट सेक्शन में अच्छे अच्छे नाम लिख के दिए, अंडा फोड़ने वाला और गमछा वाला, पता नहीं क्या क्या बहुत अच्छे नाम दिए थे। तो मैंने यही सब सोच के ना एक अच्छा सा नाम रख दिया एगहिट। क्या हुआ, हिंदी में बोलते तो इतना अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इसको इंग्लिश में कर दिया एगहिट, अंडा फोड़ने वाला। तो इसी की वजह से मैं बहुत फेमस हूँ और आपने मुझे अपने शो में बुलाया, तो मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपसे और थैंक यू। ये कैसा प्यार है, इस प्यार को क्या नाम दूं? खैर आगे बढ़ते हैं, तो मतलब आप लोगों में किस लिए फेमस है, मतलब आपका टैलेंट क्या है, क्या टैलेंट है आप में, मुझे बताएंगे आप प्लीज? जी मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं, मैं गाना गा सकता हूँ, मैं एक्टिंग कर सकता हूँ और मैं डांस भी कर सकता हूँ, मैं लोगों को हंसा सकता हूँ और मेरे इमोशन से मैं लोगों को दर्द जी सकता हूँ, उनका दर्द जी सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं। तो आप हमें कुछ करके दिखा सकते हैं, मतलब आप मतलब कैसे अपना दर्द जाहिर करते हैं, या आपका डांस या आपका गाना वाना, हमें बड़ा अच्छा लगेगा आपका गाना या डांस देखने में। हाँ जरूर, मैं आपको अपना डांस या गाना वाना दिखा सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपना डांस दिखाऊंगा, तो देखिएगा। ये डांस है अभी, ये डांस देख के अगर माइकल जैक्सन अगर जिंदा होता तो वापस मर जाता बे। खैर छोड़िए, कुछ अलग टैलेंट दिखाइए। डांस देख के तो बेचारा माइकल जैक्सन अगर जिंदा होता तो वापस मर जाता। आपकी सिंगिंग दिखाइए हमें, सिंगिंग देखना चाहेंगे हम आपकी। जी जरूर, मैं आपको अपना गाना दिखा सकता हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। तेरा चेहरा ऐसा मिला कि मेरा दिल पिघल गया, तेरा चेहरा ऐसा मिला मेरा दिल फिसल गया। अरे भाई भाई, बस कीजिए ये गाना सुन के तो मुझे कल सुबह तक लूज मोशन हो जाएंगे भाई, प्लीज गाना मत गाना आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और दिखाइए। गाना डांस छोड़ दीजिए, आपकी बस की बात नहीं है वो, आप मुझे अपनी एक्टिंग या आपका वो दर्द जो आप में अंदर भरा हुआ है वो दिखाइए। आपका दर्द देखना चाहूंगा, हमारे लोग आपका दर्द देखना चाहेंगे, प्लीज आप अपना दर्द दिखाइए। दर्द पता नहीं कैसा हो गया। जी जरूर, मैं आपको अपना दर्द दिखा सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत दर्द है, तो ध्यान से देखिएगा। Oh, 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 oh,
बस कर दे भाई, ये क्या है, ये तेरा दर्द है क्या, ये क्या कर रहा है तू साले। अब मुझे समझ आया कि गवर्नमेंट ने टिकटॉक को क्यों बैन कर दिया, साले तुम लोग की वजह से कर दिया। तुम लोग ऐसी चीजें दिखा दिखा के लोगों को बेवकूफ बनाते थे, बेचारे हमारे लोग बेवकूफ बनते थे तुम लोगों को देख के। तुम लोगों की वजह से साला रियल टैलेंट को नहीं देखा जाता था। तुम साले बेवकूफ, कुछ अच्छा काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो टिकटॉक पे मुजरा करना है, मुजरा। अबे साले अच्छा ढंग का काम करो, ढंग की वीडियो बनाओ, कुछ अच्छा बनाओ, देश को आगे बढ़ाओ। और ये तुम लोग क्या कर रहे हो, ये दर्द वर्द क्या है, ये रोना गाना इसकी माँ का उसकी माँ का, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। साला अच्छा वीडियो बनाओ, हमको भी मजा आए, तुमको भी मजा आए, लोगों को मजा आए। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। और साला इंस्टाग्राम में और अलग रील्स निकाल दी, और इंस्टाग्राम पे भी टिकटॉक आ गया। वाह, अब हम लोग वापस आबाद हो सकते हैं, हमारे टिकटॉक के लोग भूखे नहीं मरेंगे। अब हम सबको दिखा देंगे कि हमसे अच्छा मुजरा कम्युनिटी कोई नहीं है। चलो टिकटॉक भाइयों, अब रील्स पे भी अपन को हमला करना है। चुप कर पे, वरना तेरी आंख निकाल के गोटियां खेलूंगा। अबे ओए, बाहर निकाल इसको, बाहर निकाल, वरना तुझे मार दूंगा साले। ऐसे टिकटॉकर को क्यों उठा के ले आते हो तुम लोग, कोई अच्छे टिकटॉकर को नहीं ला सकते। बाहर निकाल, बाहर निकाल इसको, वरना तुझे कल से बाहर निकाल दूंगा। हराम खोर, तंखुआ भी नहीं दूंगा तेरी एक महीने की पगार। बाहर निकाल यहाँ से, निकाल और इसको बाहर निकाल।